किया हुआ है। देखिए चौकीदार तो वो शुरू से कहते रहे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ, और सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, उसको उन्होंने जिया है। यदि आप देखें प्रधानमंत्री को नहीं कहा कभी प्रधानमंत्री, चौकीदार चोर गबड़े वही कर गए। अब उसमें आज YouTube में हम देख रहे थे कई चौकीदारों का इंटरव्यू ले रहे थे मीडिया के लोग, और कह रहे थे कि मैं कैसे चौकीदार चोर हो सकता हूँ, मैंने तो वो किया है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद मेरी नौकरी लगी है, चोर हो नहीं सकता। आपने नासमझी के कारण, अपरिपक्वता के कारण जब वो चौकीदार बात कही है जिससे 25,000 चौकीदारों के साधुवान को धक्का लगा, और इसलिए देश की जनता सामने आ गई कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, और एक आंदोलन बन गया, उल्टा हो गया। उसके बाद चाय के लिए कह दिया था कि चाय वाले क्या प्रधानमंत्री बनेगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश, मुझे याद है सुरेंद्र भाई के बहुत सारे लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा विदेश में घूमते रहते, लेकिन अभी जब एरियल स्ट्राइक हुई और पाकिस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया और सभी लोग हमारे साथ खड़े हो गए, वही लोग जो कहते थे कि तिमर हमेशा विदेश में घूमते रहते थे, अब कहते हैं कि अच्छा इसलिए वो विदेश में जाते रहते थे कि उन्होंने इतने ऐसे संबंध बना लिए कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई। हम टीम आए थे हिंदुस्तान के दौरे में और मोदी जी ने कहा कि आपकी जेलों में 850 भारत के लोग हैं, यहाँ से नौकरी करने जाते थे वहाँ गलत दलालों के चक्कर में फंस के चले जाते थे और वहाँ पर बंद हो जाते थे, उनको 850 हमारे भारत भारतीय जो आपके जेलों में, उनको छोड़ने का उन्होंने आग्रह किया, और ये उनके संबंध का ही असर था कि उनने कह दिया कि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सार्वजनिक रूप से कहा कि हम इनको रिहा करेंगे। अब आप सोचो कि एक अभिनंदन के आने से उस देश में कैसा माहौल था, अब निर्दोष लोग जो सऊदी अरब के जेलों में है जिस दिन वो 850 लोगों का से भरा हुआ हवाई जहाज उतरेगा 3-4, तो उस समय देश के लोगों को कितना डर होगा कि विदेश नीति इस प्रकार की होनी चाहिए, प्रधानमंत्री इस प्रकार का होना चाहिए। एक झटके में ही इतने सारे लोगों के जीवन जो निराशा में बदल गया था उसको उन्होंने स्वदेश वापस, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, दूसरे पार्टी से तीसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, चुनाव के 2 महीने में ये ज़्यादा होता है। विंध्य क्षेत्र के या बघेली न्यूज चैनल का अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपन सुझाव हमका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।